व्हाट्स अप गाइस, दिस इज राजा। सो कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक है। तो आज का मेरा जो वीडियो होगा वो वीडियो होगा स्किपिंग। सो स्किपिंग कैसे सीखना है, तो चलिए स्टार्ट कर देते पहले ही। तो स्किपिंग पहले मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे स्किपिंग करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे ये सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये था स्किपिंग। तो ये स्किपिंग कैसे सीखना है? अच्छा दोस्तों, आप लोग मुझे एक बात बताइए, कितना लड़का है कितना लड़की है जो फिटनेस के लिए बहुत एक्साइटेड है? तो पहले ये बहुत कम देखा गया था कि फिटनेस में सब लोग इंटरेस्टेड बहुत कम था, तो अभी फिटनेस का क्रेज बहुत बढ़ गया है। जिम बहुत लोग अभी जिम ज़्यादा जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, डाइट करते हैं, न्यूट्रिशन भी अभी अच्छी तरह से सब लोग मेंटेन कर रहा है, तो ठीक ठाक है। अभी अच्छा लगा है कि हमारा जनरेशन अभी बहुत चेंज हो गया पहले से। तो चलिए अब मैं टेक्निक्स आप लोगों को बताता हूँ कि स्किपिंग सीखने का टेक्निक्स कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहला नंबर वन जो स्टेप होगा वो होगा स्पॉट जंप। तो देखिए स्पॉट जंप पहले कैसे करना है। तो पहले तो ऐसे स्ट्रेट खड़े होना है, अपने शोल्डर के हिसाब से पैर का जो गैप है तो थोड़ा सा उससे छोटा गैप लेकर आपको धीरे धीरे ऐसे जंप करना है। तो इसको स्पॉट जंप कहते हैं। जब ये अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं उसके बाद आप हाथ में स्किपिंग ले लीजिए, तो धीरे धीरे आपको ये ट्राई करना होगा। देखिए कैसे, तो मैंने जैसे पहले आपको दिखाया कि स्पॉट जंप, अगर ये अच्छी तरह से हो गया तो स्किपिंग भी हो जाएगा। तो जब मैं ये जंप कर रहा हूँ तब इसको यहाँ से ले रहा है और कुछ नहीं है। और एक बार देखिए, जब मैं एक स्पॉट जंप करूंगा तब इसको यहाँ पे लेना है। तो यही है स्किपिंग, उतना भी टफ नहीं है। ज़्यादा लोग देख के पहले ही हैरान हो जाता है कि कैसे स्किपिंग करे, ऐसा कुछ नहीं है। स्किपिंग बहुत इजी है, हम लोग जब छोटे थे स्किपिंग हम लोगों ने सीखा नहीं था। ये हम लोग जब छोटे थे दौड़ भाग करते करते खेल कूद करते करते ऐसी स्किपिंग आ गया, तो फिर भी सब लोगों के पास इतना भी आसान नहीं हो जाता, सब कुछ सीखना पड़ता ही है। तो यही चीज़ और कुछ नहीं है। जब ये स्पॉट जंप अच्छा होगा तो उसके साथ इसको जस्ट मिला के स्किपिंग करना है, तो उतना भी टफ नहीं है। आप लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये और इजी हो जाएगा, और टेक्निक्स आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे इसको फॉलो करना है। तो जंप जितना आपका अच्छा होगा और उसके साथ आपका हैंड्स का मूवमेंट भी जितना अच्छा होगा, स्किपिंग उतना फास्ट आप कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और अलग कुछ सीखना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, तो मैं फिर भी वो भी करूँगा यहाँ पे। तो चलिए ठीक है।